इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एक न्यू टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना जरूरी क्यों होता है एक फॉर्म के लिए, तो इसके कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट पॉइंट इज द अनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका स्कैन किस लिए जरूरी होता है, कि उससे हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का पता लगा सकते हैं कि बिजनेस के सामने उसकी ग्रोथ की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। इस पैराग्राफ को हम एक बार रीड करते हैं। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटीज। कि एक बिजनेसमैन जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को अच्छे से समझने में और उसको स्कैन करने में कैपेबल होता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज का पता लगा सकता है। स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट। यानी कि अगर एक बिजनेसमैन टाइमली बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेज आ रहे हैं उनको टाइमली स्कैन कर लेता है, टाइमली समझ जाता है और क्या क्या अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में उसे मिलने वाली है उसको वो स्टार्टिंग में ही पहचान लेता है, तो उससे उसकी फर्म को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। और दे कैन कैपेबल ए बिग शेयर इन द मार्केट, और मार्केट में वो अपने शेयर को यानी कि मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मारुति वॉज द फर्स्ट कंपनी टू रिकोगनाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स इन एन एनवायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोल प्राइजेज। जैसे कि मारुति सबसे पहली एक ऐसी कंपनी थी जिसने इस चीज को पहचाना, इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना कि वो उसे एक मीडियम रेंज की एक स्मॉल कार जो है मार्केट में उतारनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जिस टाइम पर मारुति कंपनी ने मारुति को इन्वेंट किया, मार्केट में लॉन्च किया, उस टाइम पर पेट्रोल के प्राइजेज काफ़ी पीक पर थे, काफ़ी हाई थे, एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, सो दे बिकम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट। इसलिए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पहचाना कि इंडिया में जो है ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है मिडिल क्लास लोगों की है, और उन्होंने उस टाइम पर एक स्मॉल कार जो है मार्केट में उतारी, और उस अपॉर्चुनिटी का उन्हें फ़ायदा क्या मिला कि वो आज एक जो है एक अच्छे लीडर के तौर पर जो है उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। कि हम बिजनेस के सामने जो जो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करा सकते हो, और उनके लिए पहले से ही हम फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं ताकि उस थ्रेट का हमारे बिजनेस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम। एक बिजनेसमैन जो टाइम पर बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को स्कैन कर सकता है या उसको समझ लेता है, वो गेट ए वार्निंग सिग्नल टू डील विद द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वो समय रहते जो है उन नेगेटिव पॉलिसीज पर कंट्रोल कर सकता है जो कि उसके बिजनेस पर इफेक्ट दिखा सकती हैं, या बिजनेस एनवायरनमेंट के उन फैक्टर्स पर कंट्रोल कर सकता है जो कि इस बिजनेस को इफेक्ट करने वाले हैं। टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अगर हम टाइमली बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को स्कैन कर लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है हम कलेक्ट कर लेते हैं, विच बिजनेसमैन गेट इज टेकन एज वार्निंग सिग्नल एंड चेंजिंग इन द कंपनी, और हम अपनी कंपनी में चेंज कर देते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंस इज हेल्पफुल इन टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करने के लिए बहुत तरह के रिसोर्सेज यूज करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करना है, अब रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। तो अगर आप रॉ मटेरियल का प्रॉपर सही तरीके से अरेंजमेंट करना चाहते हैं, तो पहले आपको मार्केट का सर्वे करके मार्केट में फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी उसका आइडिया लेना होगा। अगर आपको पहले से ही इस बात का पता लग जाता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है, तो आप ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, या फ्यूचर में रॉ मटेरियल के शॉर्टेज होने के चांसेज हैं तो आप पहले से रॉ मटेरियल का स्टॉक रख सकते हैं। तो ऐसे ही जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में, उनकी शॉर्टेज, उनकी सप्लाई का प्रॉपर एनालिसिस करना, उनका अरेंजमेंट करना, ये भी आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स का कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एनालिसिस करते हैं
उन पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं. बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. कि एक बिजनेसमैन को मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सप्लाई करना होता है. टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट. और आउटपुट देने के लिए उसे इनपुट चाहिए, मीन्स रॉ मटेरियल चाहिए. और वो रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं, दे एक्वायर द रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड. और वो इनपुट का अरेंजमेंट यानी कि रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट किसको ध्यान में रख के करते हैं? आउटपुट को ध्यान में रख के, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा करना है, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो कच्चा माल रॉ मटेरियल भी ज़्यादा खरीदना होगा. दे सेलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी इन द एनवायरमेंट. वो रिसोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं एनवायरमेंट में अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि एनवायरमेंट में वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हम बात करें, विद द डिमांड ऑफ LED एंड 3D टेलीविजन. जब LED और 3D TV की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो हमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी उन्हीं की करनी होगी. अगर हम 3D या LED TV की जगह हम ब्लैक एंड व्हाइट TV या फ्लैट स्क्रीन TV की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेज. अगर हम चाहते हैं कि एनवायरमेंट में जो भी चेंजेज आए उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में चेंजेज ला सकें, हम टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है चल सकें, तो उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस बिजनेस एनवायरमेंट के फैक्टर का एनालिसिस करना होता है, उसको स्कैन करना होता है, उसको समझना होता है कि किस फैक्टर में कब क्या चेंज आ रहा है. टुडे चेंजेज आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेज हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. कि आज के दिन जो फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेज काफ़ी स्पीड से आ रहे हैं और उनका बिजनेस पर इफेक्ट होता ही होता है. सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेज. इसलिए इन चेंजेज को समझना जरूरी है जितना जल्दी हो सके. बिजनेस एनवायरनमेंट की जो स्कैनिंग है वो हमारी हेल्प करती है टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दीज चेंजेज विद द एनवायरमेंटल स्कैनिंग. कि जो भी चेंजेज आ रहे हैं उनका हम पता लगा सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एनालिसिस करके, और उस रैपिड चेंज के अकॉर्डिंग, उस चेंज के अकॉर्डिंग हम अपनी फर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेज ला सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्लानिंग की जाती है, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि फ्यूचर में सिचुएशन मार्केट में कैसी होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी होगी, कस्टमर का टेस्ट कैसा होगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही मैनेजमेंट जो है पॉलिसी डिसाइड करती है या कोई भी पॉलिसी जो है बनाती है. द मेजर स्ट्रेटजीज और प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड द बिजनेस एनवायरनमेंट. कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाई जाती है. बिकॉज द पॉलिसीज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. क्योंकि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी तो उन फैक्टर्स की मौजूदगी में ही तो करना है हमें. सो दीज मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इसलिए जो पॉलिसी बनाई जानी चाहिए एक फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. हम एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. विद कॉन्टिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट कंपनीज कैन ईजिली इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस. अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं by making changes in the internal environment, matching to external environment. Internal environment का मतलब है कि एक organization के अंदर आप changes ला के उन external environment के factor जो आपको इफेक्ट करने वाले हैं उन पर आप control कर सकते हैं, और organization अपनी growth के लिए, अपनी improvement के लिए काम कर सकती है, अपने market share को वो बढ़ा सकती है.